बजट है आपका 25,000 रुपये और आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर कैमरा बहुत ज्यादा बेहतरीन सा आपको मिल जाए, तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले हैं जिनके अंदर आपको बेहतरीन सा कैमरा मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 25,000 रुपये के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आज बात करने वाले हैं बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 25,000। तो धमाकेदार ये वीडियो होने वाली है, इसीलिए बने रहिए वीडियो के साथ में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। जब हम लोग एक 25,000 रुपये का स्मार्टफोन खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग कैमरा, डिस्प्ले और प्रोसेसर तीन चीज सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर मैंने भी तीनों चीजों को प्रायोरिटी में रख के ही तीनों के तीनों स्मार्टफोन से निकाले हैं। तो शुरू करते हैं तीसरे नंबर स्मार्टफोन से। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस की तरफ से आने वाले वन प्लस नॉट सीई। अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वन प्लस की तरफ से। तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को 6.4 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो आती है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ में। मतलब आपको चकाचक यहां पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, बट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम रह जाता है। एटलीस्ट यहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था, बट चलो ओवरऑल ठीक है ये स्मार्टफोन। अब इसके साथ में देखा जाए इसके कैमरा सेटअप की तरफ, तो रियर साइड में हम लोग को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, उसके साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिल जाता है। यहां पर सेल्फी लेने के लिए दिया गया है 16 मेगापिक्सल का बेहतरीन सा सेंसर, और मस्त सी आपको यहां पर सेल्फीज देखने के लिए मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर डालने के लिए बहुत ही कमाल की फोटोज यहां पर आने वाली हैं। उसके साथ ही बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर। यह स्मार्टफोन 5G है और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बेहतरीन सी स्पीड देखने को मिल जाएगी इंटरनेट की आपकी। साथ ही बैटरी की बात की जाए तो 4500 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, जो आती है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, यानी कि आपको चार्जिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। 30 से 45 मिनट के अंदर इस स्मार्टफोन की बैटरी 70% चार्ज हो जाएगी और 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी ये बैटरी। तो मस्त बिंदास यूज करो, पूरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखा जाए इसके प्राइस की तरफ, तो 8GB रैम 128GB रोम का जो वेरिएंट है उसका प्राइस होने वाला है 25,000 रुपये। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपके 1 रुपये की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मिल रहा है 24,999 रुपये का। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की, जो आता है सीधा सैमसंग की तरफ से, सैमसंग M42। अब सैमसंग की तरफ से आ रहा है ये स्मार्टफोन, तो यानी कि डिस्प्ले तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल होने वाली है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। कलर्स भी यहां पर आपको रंग बिरंगे दिखाई देंगे, यानी कि कलर्स भी हैं और रंग बिरंगे भी हैं, तो बस बवाल मच जाएगा। उसके साथ ही यहां पर कैमरे की तरफ देखा जाए, क्योंकि हम लोग एक कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, उसके साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये मत सोचना कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए वो अच्छा होगा, ये 64 मेगापिक्सल के कैमरे को फेल कर देगा। बहुत अल्टीमेट यहां पर आपको फोटोज की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही सेल्फी के लिए दिया गया है 20 मेगापिक्सल का बड़ा सा सेंसर, यानी कि आपको अगर सेल्फी लेना बहुत ज्यादा पसंद है और आप भी बोलते हैं सेल्फी मैंने ले लिया, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। फटाफट से जाकर खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ ही इसके अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाला है हम लोगों को स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर, और इस स्मार्टफोन को पावर अप रखने के लिए दिया गया है 5000 mAh का बड़ा सा बैटरा, यानी कि स्मार्टफोन को चलाने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा 2-3-4-5 घंटे का, ये पूरे दिन चलने वाला है। और उसको चार्ज करने के लिए दिया गया है 15 वॉट का चार्जर। 25,000 रुपये का स्मार्टफोन है, उसके अंदर भी 15 वॉट का चार्जर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ था, बट ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात की जाए बहुत अच्छा ये स्मार्टफोन है, उसके साथ में इसकी डिस्प्ले क्वालिटी तो अल्टीमेट होने ही वाली है। जा सकते हैं अगर आपको चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो। और अगर इसके प्राइस की तरफ देखा जाए तो 8GB रैम 128GB रोम का जो वेरिएंट है वो आपको मिल रहा है 25,000 रुपये का। ऑनलाइन थोड़े बहुत पैसे कम हो जाएंगे अगर आप ऑफर ऑफर ला करके खरीदेंगे तो इस स्मार्टफोन को। अब आ जाता है हमारा नंबर वन स्मार्टफोन, ये आ रहा है सीधा चाइना से उड़ता हुआ Poco X3 Pro। बहुत अच्छा और अल्टीमेट स्मार्टफोन है। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको फीचर सुनने के बाद में समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना।
यहां पर इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को मिलने वाली 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले जो आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, और इस स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, यानी कि डिस्प्ले तो बवाल है, अल्टीमेट डिस्प्ले यहां देखने को मिल जाएगी, कलर्स आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कैमरा स्मार्टफोन हम लोगों को चाहिए तो कैमरा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो यहां पर प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है हम लोगों को 48 मेगापिक्सल का, उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिल जाता है। अब समझ गए ना क्यों मैंने इसे नंबर वन पर रखा है, बहुत ज्यादा बेहतरीन आपको यहां पर फोटोज देखने को मिल जाएंगी, क्वालिटी जबरदस्त होने वाली है, और सेल्फी के लिए भी दिया गया है 20 मेगापिक्सल का बड़ा सा सेंसर। इंस्टाग्राम के लिए फोटोज लेना चाहते हैं, सेल्फीज लेना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह के लिए रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, स्मार्टफोन लाजवाब है, आप इसे खरीद सकते हैं। और देख लेते हैं कि यहां पर आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है स्मार्टफोन के अंदर। तो इस स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर। मैं स्पीचलेस हूं बिल्कुल, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर 860 प्रोसेसर दिया गया है, वो भी स्नैपड्रैगन का अल्टीमेट प्रोसेसर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, किसी भी तरीके का लैग देखने को नहीं मिलेगा, गेमिंग जबरदस्त होने वाली है, मक्खन सी आपको यहां पर गेमिंग देखने को मिलेगी आपकी। 7 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है, यानी कि बैटरी भी बहुत कम खाएगा। अब बैटरी का नाम आ ही गया है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को मिलने वाली 5160 mAh की बड़ी सी बैटरी, यानी कि पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन गेम खेलो, 7-8 घंटे आराम से आपको गेम खिलाएगा, चिकन डिनर करो अगर आप पबजी खेलते हो तो। उसके साथ ही मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, यानी कि आपकी अगर पबजी खेलते टाइम पे बैटरी कम हो जाती है तो फटाफट से चार्जिंग पर लगाओ और आधे घंटे बाद फिर से दोबारा से चिकन डिनर करने के लिए उतर जाओ मैदान में। और इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए आपको देने होंगे ₹21,000, वो है 6GB RAM 128GB ROM वाला वेरियंट। ये थे तीनों के तीनों धमाकेदार स्मार्टफोन, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।